हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 10वीं के जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है। इस वीडियो में रसायन शास्त्र का जो दूसरा अध्याय है अम्ल भस्म और लवण उसके बारे में है। और इस वीडियो का तीन उद्देश्य है, वो क्या है ध्यान से बात को सुनिएगा। पहला उद्देश्य है कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, जो जो क्वेश्चन आएंगे मैं उसके सामने VVI लगा दूंगा और उसका आंसर भी, वो प्रश्न और उसका आंसर भी साफ लिखा आप देख भी रहे हैं। वो जो लगाऊंगा उसी को आप याद कीजिएगा, उसी को आप लिखिए, लिख लीजिएगा बहुत ही आसान शब्दों में, कम शब्दों में लिखवाया हूँ ताकि कोई भी अपने से समझ ले और याद भी कर ले। दूसरा है, दूसरा क्या बताऊंगा, थंबनेल पर आप देखे भी होंगे, दूसरा परीक्षा में लिखने का सही तरीका कि कैसे लिखें कि हमारा पूरा नंबर मिले, कम भी लिखे तो भी पूरा नंबर मिले। कुछ लोग कहते हैं पेज भरोगे तभी जाके नंबर मिलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कम लिखें लेकिन मेन बात लिखें आपको नंबर मिलेगा, कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। तीसरा क्या टारगेट है कि जो बोर्ड एग्जाम नहीं देने वाले हैं, अगले साल देने वाले हैं, उनके लिए वो अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं इससे। ये वीडियो में इस पाठ का पूरा क्वेश्चन आंसर नोट्स मैंने पूरा बनाया है, अंत तक पूरे इस पाठ के अंत तक का सभी प्रश्नों जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में आ सकते वो भी, और शुरुआत से जो लिखवाया जाता है थ्योरी वाइज पूरे चैप्टर के बारे में डिटेल में है इसमें जानकारी, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। जो परीक्षा देने वाले हैं उनको बता दीजिए, उनको शेयर कीजिए ये वीडियो ताकि उनको पता चले कि नहीं हाँ ये बहुत ही अच्छा लिख लें, धीरे धीरे कोचिंग में अपना पढ़ते चलेंगे इंस्टीट्यूट में तो समझते चलेंगे मिलाते चलेंगे, बहुत ही आसान और कम शब्दों में लिखवाया हूँ, इससे आसान तो कोई लिखवा ही नहीं सकता और इतना अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं बताते चलता हूँ। यहाँ पर अभी तो फिलहाल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा मैं अम्ल क्या है, भस्म क्या है, तो आप लोग जानते ही होंगे। वैसे विशेष पहचान है अम्ल की कि उसमें हाइड्रोजन जरूर रहता है, ठीक है, और इसकी पहचान है भस्म की कि उसमें OH जरूर रहता है, OH, तो इसे पता कर लेंगे कि नहीं वो भस्म है। फिर आगे देखते चलिए, इधर है फिर वेदोत्थान अपघट्य है, आयनन क्या होता है, तो ये सब बातें क्यों समझने वाली है। आरएनएस द्वारा अम्ल और भस्म की दी गई परिभाषा लिखें, ये आ जाता है परीक्षा में, तो ये हो सकता है दो नंबर में आ जाए, पांच नंबर में आ जाए, तो पांच नंबर या दो नंबर में आए VVI आ सकता है। आरएनएस ने जो दिया था अम्ल और भस्म की परिभाषा, ये यहाँ पे उसके एग्जांपल है। क्षार क्या है, इम्पोर्टेंट है, VVI ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं, भस्म और क्षार एक ही नहीं हो सकते, जो विलय होगा जल में वही भस्म होगा, क्षार होगा। फिर नोट वाली बात परीक्षा में नहीं लगते, इसको केवल समझने के लिए, हाइड्रोनियम आयन इस बात को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है हाइड्रोनियम आयन से, ये नोट भी इम्पोर्टेंट है। तो नोट वाली बात केवल ऑब्जेक्टिव के लिए होती है समझने के लिए। उदासनीकरण क्या है या उदासनीकरण अभिक्रिया क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, दो नंबर में आता परीक्षा में, तो इसलिए इसे याद कर लें। फिर उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे है। फिर ये पदार्थ है उसमें कौन कौन से अम्ल रहते हैं वो भी लिखा गया इसमें, तो ये भी VVI है आ सकता है, इसे याद कर लीजिएगा किसमें कौन सा रहता है। फिर सूचक, किस सूचक, कौन सा सूचक अम्लियों के क्षारीय में रंग, अम्लीय क्षारीय रंग कैसा प्रवृत्ति होता है दिखाता है, वो रंग परिवर्तन कैसा दिखाता है अम्लीय माध्यम में क्षारीय माध्यम में। लिटमस को अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो लाल कर देता है, उसे क्षारीय माध्यम में रखते हैं तो नीला कर देता है, मतलब लिटमस क्या करता है अम्लीय जैसे आप कोई भी पदार्थ ले उसमें डालेंगे तो उसे लाल कर देगा, क्षार में डालेंगे तो उसे नीला कर देगा, ये इसी तरह है, ये बात याद रखी, सूचक है इसमें लिटमस ज्यादा इम्पोर्टेंट है VVI है। फिर सिरका में कितना एसिटिक अम्ल होता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि 6-8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, या सिरका में कितना एसिटिक अम्ल होता है। फिर उसके बाद आगे तो कोई खास नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, ये देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कर रहा है कि मोटर गाड़ी के बैटरी अम्ल के रूप में किया जाता है, यानी बैटरी अम्ल क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बैटरी अम्ल कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। एक चीज मैं बताना भूल गया कि आपको क्या करना है परीक्षा में लिखना कैसे है, तो मान लीजिए आपको पेपर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव तो मैं केवल गोला रंगना है उसका, लेकिन जो पेपर लिखने वाले होते हैं उसमें आपको क्या करना है, केवल प्रश्न संख्या डालना है कि कौन सा प्रश्न संख्या है, मान लीजिए 6वां या 7वां जो भी है, आपको जो जिधर से आ रहा है उधर से डाल सकते हैं,
हेडिंग बीच में डालना, आपको इधर नहीं डालना है प्रश्न एक प्रश्न दो एक दो, कितने लोग इसी तरह घसीट के कर देते हैं काम, ये गलत काम है। बीच में डालिए ताकि देखने वाले को साफ नजर आए कि क्या लिखा है भाई। अगर मान लीजिए अथवा का आप जवाब दे रहे हैं, फिर यदि अथवा है तो आप यहाँ पे कॉमा करके अथवा भी डाल सकते हैं, अथवा आपको बनाने का मर्जी है, नहीं तो आप यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ के इधर बीच में भी अथवा डाल सकते हैं अथवा। फिर कोष्ट कीजिए आप जो प्रश्न संख्या छह लिख रहे हैं किस कहाँ से हो सकता है, रसायन शास्त्र इतना तो नॉलेज हो गई कि कहाँ से ये क्वेश्चन है, रसायन से है कि भौतिक विज्ञान से है कि जीव विज्ञान से। तो मान लीजिए ये रसायन शास्त्र से है तो हेडिंग डाल देंगे रसायन शास्त्र, रसायन कितने अंक का है, दो अंक का है डाल दीजिए, दो अंक का है होगा तो दिया होता है पीछे अंक, नहीं दिया होता तो मत डालिएगा, नहीं पता चलेगा कहाँ से है तो मत डालिएगा, पता चलेगा तभी, अथवा दिया है तो अथवा डालिए। इसको अब क्या कीजिए आप इंची लीजिए और इंची लेकर यहां से अंडरलाइन कर दीजिए खूब अच्छे से, ताकि उसको दिखाई दे कि क्या लिखा है भाई, देखते ही समझ जाए कि सारी बात उसको यहीं पर पता चल जाए, उसको बार बार पेपर उलट के देखना ना पड़े। अथवा आप लिख रहे हो तो अथवा को भी अंडरलाइन कीजिए, इसको भी अंडरलाइन कीजिए भाई, दिखाई दे उसे बढ़िया से। और देखिए अब क्या करना है आपको कि देखना है कि क्वेश्चन में हेडिंग क्या बन सकता है, बनेगा तो बनाएंगे नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे, केवल अब लिखना है एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना चालू कर देंगे बाकी बातों को। आप इस अथवा जो यहाँ पे लिखे आप यहाँ पे भी कॉमा करके एडजस्ट कर सकते हैं, तब पोस्ट में ये बातें लिख सकते हैं। बहुत पेज बड़ा रहता है छोटा नहीं रहता, बहुत ही आसान रहता है, जब जितना बड़ा उतना हेडिंग डाल सकते हैं। फिर हेडिंग जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल का मैंने उपयोग लिखवाया बोला भी बताया, तो आप हेडिंग बना सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, और बाकी वाली बात नहीं लिखनी है, खाली क्या हेडिंग बन रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, ये हेडिंग बन जा रहा है। तो हेडिंग डालेंगे इस प्रकार, अंडरलाइन डैश मारेंगे और फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे, लगाइए ये इंच और इसको अंडरलाइन कर दीजिए, दो बार तीन बार मार दीजिए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए अच्छे से, ताकि दिखाई दे कि आप क्या लिख रहे हैं। इससे क्या फायदा है कि उसको तो पता चल जाएगा कि नहीं भाई प्रश्न संख्या छह है, और फिर रसायन शास्त्र से है दो अंक का है, अथवा लिख रहे हैं आप सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लिख रहे हैं, इससे उसे प्रश्न बार बार पेपर उलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो समझ गया कि प्रश्न संख्या छह रसायन दो अंक, उसको केवल नंबर देना आपको, चलते जाना जाना चलते जाना चलते जाना, इस प्रकार वो आपका थोड़ा सा गलत भी रहेगा तो आपको पूरा नंबर देगा। इस सुविधा के लिए आपको बहुत ही समझदार टैलेंट समझेगा, और ये टैलेंटों का ही काम ही है इस तरह सजा कर देना, हर चीजों को आसान कर देना आसान कर। फिर आगे नाइट्रिक अम्ल के उपयोग, फिर हमारे आमाशय या पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है, HCl ये भी आई है दो नंबर में आता है, क्या भूमिका है। फिर आगे देखिए हमारे पेट में अम्लता या गैस की शिकायत को दूर करने के लिए क्या उपचार करती है, ये भी बहुत ही BBI मोस्ट है इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे करना आपको। फिर आगे आगे देखते जाइए, जिनको बनाना है भाई नोट्स वो बनाते चलेंगे अपना नोट्स। लिटमस क्या है, ये भी BBI है आता है परीक्षा में। फिर सूचक क्या है, सूचक का उपयोग लिखे, ये दोनों सूचक क्या है, दो सूचकों का उदाहरण दे या कुछ भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है ये, तो इसे भी कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए, फिर इधर ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी का क्रम है ना, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि कौन अधिक सक्रिय है, तो सबसे ज्यादा सक्रिय पोटेशियम होता है, उसके बाद कैल्शियम, तब उसके बाद सोडियम आता है, फिर उसके हाइड्रोजन से नीचे वाले सभी कम सक्रिय होते हैं, ऊपर वाले सभी अधिक सक्रिय होते हैं, एक दूसरे से कंपेयर, ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को हटा देता है उसके यौगिक से, जैसे मैग्नीशियम इसके नीचे वाले जिंक को हटा सकता है किसी, अगर ये यौगिक में होगा जिंक तो ऊपर वाले इसे हटा देगा, ये खासियत है इसका, इस श्रेणी का याद रखिएगा। अम्ल के गुणों को लिखें, ये पांच नंबर में आ जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा में। फिर भस्म के भी गुणों को लिखें, ये भी आ जाता है, इसे भी देख लीजिएगा, आप पांच भी लिख देते हैं ऊपर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि पूरा लिखेंगे तभी मिलेगा हमारा नंबर, जैसे मैंने बताया वैसे लिखेंगे।
हेडिंग डाल के लिखेगा, हेडिंग नहीं बनाया जाएगा तो मत डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखिए, फिर इधर ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। धातुओं के ऑक्साइड मुख्य रूप से भस्म होते हैं, क्यों होते हैं तो इधर जवाब दिया गया है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो आपको तो ये प्रबल अम्ल कहते हैं कि सबसे लेना देना नहीं, लेकिन कौन कौन प्रबल है उसे याद रख लीजिएगा। Cl2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 ऑब्जेक्टिव में काम आते हैं। दुर्बल कौन से अम्ल होते हैं वो भी याद कर लीजिएगा, अभी भी आई है इम्पोर्टेंट, इसके एग्जाम्पलों को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में नुकसान नहीं पहुंचाती, ये भी आई है, क्यों, इसका कारण यहाँ पे लिखा है। फिर आगे देखिए, इनको नोट्स बनाना है वो नोट्स बनाते चले। प्रबल भस्म क्या है, तो ये भी आई है, यहाँ सब्जेक्ट भी बनेंगे प्रबल भस्म के लिए, तो इसे भी देख लीजिएगा। दुर्बल भस्म में ये सब आते हैं एग्जाम्पल में, देख लीजिएगा इन्हें भी। यानी सबसे अधिक पोटेशियम और सोडियम सक्रिय होता है, इसलिए इनके वजह से ये अधिक प्रबल हो जाते हैं, ये सब उसके बाद आते हैं इसलिए कम प्रबल है, दुर्बल आ जाते हैं। पीएच स्केल क्या है, तो इससे तो कोई खास लेना देना नहीं, ये होता है पीएच स्केल का डीएन, जैसे ही 7 से हम नीचे आते हैं अम्लीयता बढ़ती है, 7 से अधिक जाते हैं क्षारीयता बढ़ती है, तो ये इम्पोर्टेंट है पीएच ऑब्जेक्टिव के लिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे कुछ उसके लिए बातें हैं, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और जो एग्जाम देने वाले हैं उसको मैं जो वीवीआई बता रहा हूँ वही करें, ज्यादा नहीं। फिर ये भी इम्पोर्टेंट वीवीआई है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व, 5 नंबर में आ जाता है, तो ये जरूरी है कि आप इसे करके जाए, देख लीजिएगा। अगर ये लिखने में आपको आसान पड़े तो उसे कई सारे आसान क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि इस चैप्टर से ये आसान क्वेश्चन है। फिर इधर देख लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, फिर इधर देख लीजिए, फिर आगे देखिए, लवण कितने तरह के होते हैं इससे तो कोई खास लेना देना नहीं। फिर भाषणिक लवण क्या है, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं इसलिए इनको देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भाषणिक लवण के उदाहरण कैसे होते हैं, लवण के गुण। फिर आगे कुछ सामान्य विलयनों का पीएच दिया है, इसे कोई खास लेन देन नहीं, सबसे अधिक होता है चूना जल का पीएच, सबसे कम होता है आमाशय रस का, यही सब बातें याद रखना है। शुद्ध जल का कितना होता है, 7 होता है, ये बात याद रखिएगा। फिर साधारण नमक क्या है, तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन आ जाता है, जो NaOH और HCl के अभिक्रिया से बनता है। फिर आयोडीन युक्त नमक क्या है, फिर हमें आयोडीन युक्त नमक क्यों खाते हैं, क्यों खाने की सलाह दी जाती है, क्यों खाते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है वीवीआई। फिर आगे कास्टिक सोडा है यहाँ पे, फिर देख लीजिए कास्टिक सोडा का उपयोग है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग याद कर लीजिएगा सब्जेक्टिव, क्लोरीन गैस का भी उपयोग याद कर लीजिएगा, आता है ये। फिर इधर लास्ट है, फिर ये तो भाई उपयोग है, लास्ट नहीं है अभी और है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा बनाने की विधि को लिखें, बहुत ही वीवीआई 2 नंबर में आ जाता है। अगर क्या कहा जाता है केवल बनाने की विधि लिखेगा तो 2 नंबर, उपयोग लिखेगा तो 5 नंबर दे सकते हैं इसके लिए। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के गुणों को लिखें, यहाँ पर आप गुणों को भी दे दिया है, तो ये भी वीवीआई है, गुणों भी आ सकते हैं अलग से, देख लीजिए। फिर आगे यहाँ पर उसके लिए अभिक्रिया है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग लिखें, अच्छा ये कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग ही है, यहाँ पे गुण है, अच्छा ये गुण है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक, और यहाँ तक गुण है, इधर उसके बाद उसका उपयोग है, तो आपको उपयोग याद रखना है, गुणों से कोई खास लेन देन नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ करते हैं इस बात को याद रखिएगा,
फिर एक आता है सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा जिसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके सूत्र पूछ ले जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा। फिर बनाने की विधि भी आ सकता है और फिर उसके उपयोग भी, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट के गुणों को लिखे, गुणों से कोई खास लेन देन नहीं, लेकिन उपयोग से लेन देन है, उपयोग जरूर याद कीजिएगा, उपयोग आता है। फिर उत्फुल्लन क्या है, यह भी इम्पोर्टेंट है, उत्फुल्लन आ जाता है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के रूप में। धोने के सोडा का उपयोग देखिए आ गया, तो उपयोग जरूर याद कर लीजिएगा धोने के सोडे का। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बहुत ही व्यापक है, कई बार एग्जाम में आया है, आ भी जाता है, आपके भी एग्जाम में आ जाए, तो गुणों से कमी लेना देना नहीं, लेकिन हाँ उपयोग से लेना देना है, उपयोग जरूर याद कीजिएगा बनाने की विधि। यहाँ पर उसका उपयोग दिया है, व्यंजक चूर्ण का उपयोग वीवीआई है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र आ जाते हैं या उसको बनाने की विधि या उपयोग आ जाते हैं। फिर ये बनाने का विधि दिया है, फिर उसका उपयोग दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वीवीआई है, याद कर लीजिएगा। फिर आगे तो केवल बातें हैं जानकारी वाले। फिर ये इनको नोट्स बनाना, नोट्स बनाते चले। फिर ये प्रसवेद और लवण क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आ सकता है। फिर आगे इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं इसे, और इधर भी देख लीजिए, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अभी शुरू में बताया ना, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ, बना लीजिएगा। फिर ये है इधर कुछ, फिर लास्ट हो गया ये यहाँ से। अब यहाँ पे है अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रियाविधि को समझाएं, इंपोर्टेंट है, आ जाएगा दो नंबर में। इस प्रकार ये खत्म हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा जरूर अपने दोस्तों, व्हाट्सएप फेसबुक जो भी आप चलाते हैं, तुरंत अभी कभी शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं छोटे भाई हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिए। और फिर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि कर दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और डेली अपडेट पाने के लिए चैनल बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा है नोट्स, या जो भी आपको कुछ पूछना है कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।